अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, हाउ टू डू की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि हाउ टू चेंज YouTube कस्टम URL लिंक। YouTube चैनल का कस्टम URL लिंक जो है वह हमने किस तरह चेंज करना है या तब्दील करना है, यह है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त साथ में अपीयर होने वाले बेल सुनुमा बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है। तो इसका कस्टम URL लिंक जो है वो तब्दील करने से पहले या चेंज करने से पहले मैं आपको इसकी दो चार शरायत हैं वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, तब जो है आपको समझ भी आएगी कि हमारा चैनल का जो है कस्टम URL लिंक वो हम मतलब अपने तरीके से जल्द अज जल्द क्यों नहीं चेंज कर पाते। ठीक है, तो उसकी मेन वजह जो है, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं, मतलब आपने नया चैनल बनाया है, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास 100 सब्सक्राइबर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इसकी रखी है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर मतलब 100 सब्सक्राइबर आपके पास आपके चैनल पर हैं तो तब ही आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन मतलब एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके चैनल को बनाए हुए तकरीबन कमोबेश 30 दिन गुजरे हुए हों। ठीक है, अगर आपके चैनल को बनाए हुए 30 दिन से अबव हो गए हैं तो तब आपकी ये रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो मुकम्मल हो गई है। देन जो है आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी तरफ से वो ये है कि आपका चैनल के ऊपर जो है आइकन लोगो मतलब फ़ोटो जो है वो लगा होना चाहिए, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो जो है ये हमारा लगा होना चाहिए आइकन के ऊपर। अभी मेरे पास 108 सब्सक्राइबर हैं, इस तरह आपके भी 100 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अगर 100 से ऊपर नहीं है, 100 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ये वाली नहीं आएगी, क्लाइमेट हेयर जो है यहाँ में शो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये 100 सब्सक्राइबर हमने गेन कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं, तो देन जो है हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाएगी, यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL लिंक क्लाइमेट हेयर। ठीक है, देन जो है आप अपना कस्टम URL लिंक जो है चैनल का वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चौथी जो आखिरी हमारे पास नंबर 4 पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स वो ये है कि आपका चैनल आर्ट्स जो है वो अपलोड होना चाहिए। वो हमारे पास मैं आपको मतलब दूसरे लफ्ज़ों में बता दूं कि चैनल आर्ट्स का मतलब जो है चैनल कवर फ़ोटो है। ठीक है, आपके मतलब बैकग्राउंड पे जो है ये पिक्चर मैंने लगाई हुई है चैनल के ऊपर, ये आपकी भी लगी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मतलब पूरे उतर रहे हैं, और देन जो है आप अपना कस्टम URL लिंक जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपना कस्टम URL लिंक चेंज करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ मैंने क्लिक किया है अपने अकाउंट के लोगो के ऊपर, और देन जो है आपने YouTube सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे एडवांस की ऑप्शन मौजूद है, एडवांस्ड के लिंक पर आपने क्लिक करना है, ये ओवरव्यू के अंदर है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एडवांस सेटिंग जो है हमारे पास चैनल सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है कि क्लाइमेट हेयर के बटन पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास एक बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर जो है हम अपने पास से जो है एक कस्टम URL लिंक नेम जो है वो हम चूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि मेरा URL लिंक जो है बने कि youtube.com आगे जो है हाउ टू डू 463। ठीक है, 463 ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी जो इसके अकाउंट की जीमेल आईडी जो है मैंने बनाई हुई है वो भी इसी नाम से है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए हाउ टू डू 463@gmail.com। ठीक है, तो ताकि हाउ टू डू 463 जो है वही इसका URL लिंक हो जाए। तो उसके बाद आपने चेंज URL के बटन पर क्लिक करना है, ये देखिए मेरे पास ये जनरेट हो गया है, और उसके बाद कन्फर्म के बटन पर आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। ये देखिए हाउ टू डू 463 जो है मेरे चैनल का कस्टम URL लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
तो इस तरह आप अपने चैनल का जो है कस्टम यूआरएल लिंक तब्दील कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्लाइमेट हेयर की ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमने अपना जो नया जो है यूआरएल लिंक कस्टम जो है वो हमने चेंज कर लिया है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि इसका मेन फ़ायदा जो है वो यह है कि हमारे एक चैनल का जो है एक गुड इमेज बनता है, चैनल की पहचान हो जाती है कि वाकई इसका एक यूआरएल लिंक है। और यूआरएल लिंक मतलब वैसे तो वो कितना लंबा उसकी कोडिंग थी, अब यहाँ पे मैंने मतलब मुख्तसर कोडिंग वो जो है उसका नेम मुंतखब करके उसे दे दिया। अब इससे मालूम हो रहा है कि वाकई कोई एक चीज़ है, एक ब्रांड है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है आपके चैनल पर, तो और सर्च इंजन में भी ये बहुत जल्द ओपन हो जाता है। अगर आप मतलब इसी नेम से चैनल आपका जिस नेम से चैनल बनाए उसी नेम से आप उसका कस्टम यूआरएल लिंक जनरेट करते हैं तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।